हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब दोस्तों, मैं हाँ तुहाड़ा दोस्त हरदीप दुआ। सो वर्ल्ड वूमेंस टीवी के सुपर वूमेन शो के साडे सारे देश और विदेश के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों साडे जिहड़े अज के सुपर वूमेन गैसट है जी वो है मनजीत कौर जी। तुहानू थोड़ा जिहा उन्हां बारे दसना चाहवांगा कि बचपन में ही उन्हां दा स्पोर्ट्स नाल काफ़ी लगाव हो गया सीगा, स्पोर्ट्स की दुनिया नाल काफ़ी लगाव हो गया सी। वह गोल्फ भी खेडते हैगे ने, उस दे नाल नाल अज दे समय दे विच उह जिम भी चला रहे ने। होर अपनी लाइफ दे विच उह की कर रहे ने ते करते हैं फिर अज दे इंटरव्यू की शुरुआत। हम चलते हैं मनजीत कौर जी दे करे। मैं एडवोकेट मनजीत कौर, बट नाउ आई एम इन टू फिटनेस। तो पहला तो मैं सारे सुपर वूमेन शो जो कि वर्ल्ड वूमेन चैनल चला रहा है वो तुम मैं अज इनवाइट किया, मैं थोड़ा बहुत शुक्रिया अदा करती हाँ। एंड सारे दर्शकों नू बहुत मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। अच्छा साढ़े दर्शकों तो यह दसो कि थोड़ा जन्म कदों होया, एजुकेशन कितों लई और थोड़ा ब्याह कदों होया? मेरा जन्म होया तो लुधियाना, पर उस तो बाद असी मेरी स्कूलिंग हुशियारपुर रही एंड प्लस वन दे विच मैं इत्थे लुधियाना शिफ्ट कर गए। मेरे माता पिता दोनों गवर्नमेंट जॉब सीगे तो असी लुधियाना शिफ्ट कर गए। फिर मेरी कॉलेज इत्थों लुधियाना तो होया एंड उस तो बाद मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ तो अपनी LLB की। तो मेरा मैरिज मेरे हसबेंड IAS अलाइड ऑफिसर हैं, उन मेरी 1995 दे विच मैरिज हुई। तो उस तो बाद असी मैसूर, चेन्नई, केरला, पटना, कैलकटा, श्रीनगर एंड इधर उधर घूमते रहे। फिर क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रांसफरेबल जॉब सी, तो मेरे बच्चे दो मेरिया बेटियां तो छोटिया सन, उन्हां दी एजुकेशन खराब ना होए तो फिर मैं लुधियाना सैटल हो गई। तो मेरे हसबेंड ट्रांसफरेबल जॉब करके इधर उधर रहे। तो फिर उस तो बाद जो मैं इत्थे लुधियाना शिफ्ट कर गई क्योंकि मेरे विच बहुत ज़्यादा पैशन सी भी मैं अपनी लाइफ दे विच कुछ ना कुछ करना। एंड मैं चेन्नई वगैरह विच सीरियल च भी रोल किया, उत्थे हाई कोर्ट प्रैक्टिस भी की, तमिल भी सीखी, बट फिर जिथे भी मैं कुछ स्टार्ट करती सी उतों ट्रांसफर हो जाती सी। फिर जो लुधियाना आ गए फिर मेरा मैनू सी भी असी इतों दोबारा शिफ्ट कर जाना। मैं अपने इसलिए अपने लॉ दे प्रोफेशन विच नहीं गई, पर मैं अपना क्योंकि मैं बचपन तो ही फिटनेस ही रही हूँ। छोटे होंदे ही हर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज स्कूल अपने आले दुआले बच्चों के नाल खेलते रहना बड़ा कुछ। अगर मैं गल करा टैलेंट दी और तुहाडी हॉबीज दी, तो तुहाडी हॉबीज की ने और तुहाडा टैलेंट की है जी? मैं तो आप IAS ऑफिसर बनना चाहती सी, मैनू सी मैं बई ऑफिसर बनना एंड स्पोर्ट्स विच भी मैं काफ़ी नाम कमाया एंड मेरी एजुकेशन भी मैं हमेशा फर्स्ट सैकेंड थर्ड कुछ ना कुछ आती रही हूँ। इतने गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वूमेन लुधियाना पढ़ी, उत्थे पांच सब्जेक्ट चो तीन च मेरे पक्के फर्स्ट सैकेंड थर्ड प्राइज हुंदा सी। पर क्योंकि मैनू किते इन बिल्ट मेरा किते स्पोर्ट्स विच बहुत ज़्यादा क्रेज सी, मैं पढ़ते हुए ब्लैक बेल्ट कराटे, NCC सी सर्टिफिकेट होल्डर एंड जदों छोटी सी स्कूल टाइम गर्ल गाइड भी ज्वाइन किया होया सी, NSS वॉलंटियर कुछ ना कुछ हमेशा। जो NCC दे विच मैं फिर शूटिंग ते सारा सीखा परेड वगैरह। तो साढ़े दर्शकों दसो कि तुसी आफ्टर स्टडी खत्म होने तो बाद जॉब भी की है कोई? मैं ना क्योंकि उदों असी इन्ने अवेयर नहीं होंगे सी, इग्नोरेंट सी एंड नैट का भी इन्ना नहीं सीगा सिस्टम। मैं वैसे PCS दे भी एग्जाम दिते हुए एंड IAS दे भी दिते, पर उदो कह दो बई जा तैयारी इन्नी वधिया नहीं सी। पर मैनू बहुत क्रेज सी जिंदगी च भी मैं कुछ ना कुछ जरूर करना, चाहे कोई जॉब होए जा अपना काम जरूर, मतलब मैं जिथे भी रही चाहे चेन्नई रही मैं हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ दे विच करती रही। पर हौली हौली जिदा कई बहुत जनों छोटी एज पता चल जाता भी मेरे च ये क्वालिटीज़ है, तो उन्हां दी जे पॉलिशिंग अच्छी हो जाए बहुत वर्ल्ड लैवल तक फेमस होंगे। तो कई मेरे वर्गियां नू लेट पता चलता भी मेरे च ये चीज़ हैगी है एंड मेरा स्पोर्ट्स ज़्यादा पैशन हो गया। जिदा जिदा मैं वड्डी हुई मेरा स्पोर्ट्स एंड फिटनेस बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया। बिल्कुल,
मेरी एक बेटी एम ए साइकोलॉजी कर चुकी है तो उन्हें पोस्ट डिप्लोमा ली पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ उसकी एडमिशन हो चुकी है एंड सैकेंड बी एफ ए उसकी कंप्लीट हो चुकी है तो उसकी भी नैक्सट एम एफ ए ली एडमिशन उसकी हो चुकी है दोनों की। तुसी ना साडे दर्शकों नूं इह दसो कि तुसी हुण तक सोसाइटी वास्ते की कीता और इस लाइन यानी कि सोशल लाइफ दे विच किस तरह आए। मेरा ना हुण मैं की दसा बचपन तो ही मैनू मतलब सोशल सर्विस का बहुत क्रेज रहा। मैं छोटे होंदे तो भी मेरे को ब्लड डोनेशन के भी सर्टिफिकेट हैगे है ते गुरबाणी च भी मतलब शुद्ध गुरबाणी कंठ दे भी सर्टिफिकेट मेरे कोल हैगे। जे मैं अपने सर्टिफिकेट्स दिखावां तुसीं हैरान हो जाओगे भी आम किसी कोल इन्ने सर्टिफिकेट नहीं हो सकते। मेरे को स्पोर्ट्स कल्चरल एंड फिटनेस मैं ब्लैक बेल्ट कराटे रही नैशनल चैंपियन। तो मतलब बचपन तो मैनू ये सी भी मैं मैरिज नहीं करानी मैं डॉगी रखने हैं तो सोशल सर्विस करनी है। मतलब मैं सोशल सर्विस का बहुत ज़्यादा क्रेज़ सी। ये हुण कह दो भी पेरेंट्स ने करा दिती तो आई एम हैप्पी आई एम ब्लेस्ड एंड खुश हाँ। पर मैं मतलब सोशल सर्विस का मतलब मैं कह दो क्रेजी सी मैं बहुत ज़्यादा भी हमेशा भी सोसाइटी लिए कुछ करना ऑलवेज। अच्छा तुम यह दसो कि कोविड 19 के समय के तो लाइफ के की प्रॉब्लम्स आई हैं या तो बिजनेस की प्रॉब्लम आई और किस तरह तुम अपने आप को इस समस्या तो बाहर निकालिया। जे मैं सच दसा तो मैं क्योंकि जोड़ा इंसान अपने आप खुशी लभ ला जिन्हों इधर उधर मतलब भटकना कह दो भी नहीं होंगी उन्होंने कोई चीज़ दुख सुख का इन्ना फर्क नहीं पैंदा। मैनू कोविड के नाल मैं जोड़े लोग गरीब है जोड़े रोज़ कमा के खाते सी उन्हां लई मैं बहुत वरिड सी ते उन्हां लई जिन्ना कि मैं कर सकती सी मैं किया। पर जे को भी मेरे ते कोई असर होया मेरी अपनी रूटीन है मैं अपने कह दो भी मेरा घर के अंदर ही मेरा फिटनेस सेंटर है तो मैं अपनी एक्सरसाइज करती रही बाकी जो मेरी रूटीन है वह करती रही। मैनू कोविड ने कोई इन्ना तंग नहीं किया। तुसी लुधियाना दी कुड़ियां नू की मैसेज देना चाहोगे। लुधियाना दी कुड़ियां नू मैं यही मैसेज देना चाहनी हाँ बई लाइफ बहुत शॉर्ट है तो इसलिए तुसी कोई ना कोई अपनी कोई पॉजिटिव एटीट्यूड रखो पॉजिटिव कुछ करो सोसाइटी दे लई ते एंड अपनी सब तो पहला अपनी हैल्थ नूं जरूर ध्यान दिओ क्योंकि हैल्थ इज़ वैल्थ। जे तुसी हेल्दी हो तो यह सिर्फ तुसी अपने आप नूं कॉन्फिडेंट नहीं फील करते जो लोग भी थानू देख के इंप्रैस होंगे है थानू अपना रोल मॉडल मानते हैं तो थानू देखो फिर कितनी खुशी होंगी है। मैं तो उन्होंने हमेशा यही चाहनी हाँ फिट ही देखना चाहनी हाँ भी फिट रहन। अच्छा तुसी एक फिल्म देखी होनी बॉलीवुड फिल्म अनिल कपूर जी दी नायक मूवी आई सी जिस विच उन्होंने एक दिन का सीएम बना दिता जाता है। अगर तुहानू मौका मिलता एक दिन का सीएम बनने का तो तुसी लुधियाने शहर के विच की चेंज करोगे और अपने स्टेट के विच की चेंज करोगे। मैं एक इत्थे लुधियाने ट्रैफिक तो एक कह दो गारबेज तो दो चीज़ा बहुत इरीटेट कर दियाँ इत्थे लुधियाना। ये चीज़ सैट करना चाहूँगी तो जो स्टेट या नैशनल लई बोलो तो मैनू है भी फैमिली प्लैनिंग होनी चाहिए जरूर क्योंकि जे फैमिली प्लैनिंग ही हो जाए तो साड़ी पॉवर्टी अनइंप्लॉयमेंट एंड जड़ा है करप्शन बहुत चीज़ा अपने आप ही खत्म हो जाऊगियाँ क्योंकि साढ़े को सोर्सिज घट है तो लोग ज़्यादा तो मेरा तो पहला स्टेप यही रहूगा भी मैं सब तो पहला फैमिली प्लैनिंग कंपलसरी कर दिया। कैनेडा कैनेडा तो जिदा घर है ना वुडन है भी जिदा तुसी चलते हैं तो एक जना चल रहा सारे घर टक 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 सुनता तो जे टैप चलाई तो सारे घर पता लगता जे तुसी फोन पर गल की पता लगता। उदा बहुत अच्छी कंट्री है बहुत ज़्यादा उत्थे फैसिलिटीज़ है ह्यूमन बीइंग दी बहुत वैल्यू है बहुत साफ सुथरी है। बट जे घर देखो तो मैनू अपने घर अच्छे लगते हैं भी ये घर पूरे सॉलिड है वो थोड़ा जिदा लगता जिदा आर्टिफिशियल जी घर च रह रहे हैं मैंने इदा दी फीलिंग आई। बाकी जेडे लोग उत्थे रह रहे उन्होंने तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी इत्थे असीं जिद्दां एक जना कमाए दस जने वेले बह के खा सकते हैं है ना पर इत्थे बंदे दी वैल्यू नहीं है उहदी कोई कदर नहीं है। उत्थे बाहर यह है भी हरेक नूं हार्ड वर्क करना पैंदा वो वड्डे तो वड्डे बदमाश नूं भी वो वाली कंट्री सैट कर देंदियां ते इत्थे चंगे भले लोग भी बदमाश बन जाते हैं
ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗੀ ਲਾਈਫ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤਾਂ ਆਪ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਗ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵੀ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੋਈ ਸੌਂਗ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਕੋਈ ਵੀ ਸੌਂਗ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰੇਟ ਨੇ, ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਓ। ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾਲਾ, ਉਹ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾਲਾ ਮੇਰਾ ਕਾਲਾ ਹੀ ਸਰਦਾਰ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਤੇ ਲੈ ਦੀ ਤਾਰ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰੋ। ਸੱਸੜੀਏ ਤੇਰੇ ਪੰਜ ਪੁੱਤਰ ਦੋ ਐਬੀ ਦੋ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਸੱਸੜੀਏ ਤੇਰੇ ਪੰਜ ਪੁੱਤਰ ਦੋ ਐਬੀ ਦੋ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹਾਣ ਦਾ ਉਹ ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬੀ, ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾਲਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾਲਾ। ਕਦੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਾਲੀ ਤੇਰੀ ਗੁੱਤ ਤੇ ਭਰਾਂਦਾ ਤੇਰਾ ਲਾਲ ਨੀ, ਉਹ ਕਾਲੀ ਤੇਰੀ ਗੁੱਤ ਤੇ ਭਰਾਂਦਾ ਤੇਰਾ ਲਾਲ ਨੀ, ਆਹ ਆਹ ਰੂਪ ਦੀ ਰਾਣੀ ਭਰਾਂਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਨੀ, ਉਹ ਕਾਲੀ ਤੇਰੀ ਗੁੱਤ ਤੇ ਭਰਾਂਦਾ ਤੇਰਾ ਲਾਲ ਨੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪਲ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਂਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ, ਲਾਈਫ ਹੈ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਵਾਲੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਲਾਈਫ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੋਲਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨੇ ਕਿਊਟ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹੀ ਜੰਨਤ ਹੈ, ਵੀ ਇਹੀ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਹ ਸੀਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕੂੰਗੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਾਸ਼ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ, ਆਈ ਐਮ ਬਲੈਸਡ, ਆਈ ਐਮ ਆਲਵੇਜ਼ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਗੋਡ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਆਈ ਐਮ ਫੁੱਲੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ। ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਐਂਡ ਬੜੇ ਕੇਅਰਿੰਗ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਲੱਕੀ। ਅੱਛਾ, ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਲਾਈਫ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਿੰਦਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਡਰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਆਉਣ ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹੋਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਬੀ ਰੱਖੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਬੜੀ ਲਾਈਵਲੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਤਾਂ, ਫੈਮਲੀ ਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇਰਿਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਵੈਲਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਵ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿੰਮ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੜੇਗਾ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਪਰਮਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਦੀਪ ਦੁਆ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।